Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दक्षिणी बस्तर जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर तेलंगाना की सीमा पर स्थित पुजारी कांकेर ऐसा गांव है जहां आज भी पांडवों की पूजा होती है। पांचों पांडव भाइयों के लिए अलग अलग पुजारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये परंपरा यहां कई सौ सालों से चली आ रही है। ग्रामीणों का मानना है कि गांव के पास स्थित विशाल पर्वत पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, इसी वजह से पहाड़ का नाम पांडव पर्वत रखा गया। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है जिसकी घंटी अपने आप बज उठती है। इस मंदिर के अलावा गांव वालों ने गांव की सरहद पर धर्मराज मंदिर भी बना रखा है जहां हर दो साल में एक बार मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में शामिल होने के लिए 25 गांवों के देवी देवता पहुंचते हैं। गांव के पुजारी दादी राम मूर्ति ने बताया, मान्यता के अनुसार कौरवों के हाथ अपना सब कुछ गवा देने के बाद पांडव जब अज्ञात आवास पर निकले तो इस दौरान उन्होंने अपना कुछ समय दंडकारण्य में गुजारा। इसमें से एक इलाका पुजारी कांकेर का भी था। जब पांडव यहां पहुंचे थे तब उन्होंने दुर्गम पहाड़ी पर स्थित गुफा में प्रवेश किया था और यहीं आश्रय लिया था, इसलिए बाद में इस पहाड़ का नाम दुर्गम पहाड़ के नाम के स्थान पर अब पांडव पर्वत रखा गया। उनके मुताबिक पांडव इस पर्वत से होकर गुजरने वाली सुरंग से होकर भोपालपट्टनम के पास स्थित सकल नारायण गुफा से निकले थे जहां वर्तमान में श्री कृष्ण की मूर्ति है। हर साल वहां सकल नारायण मेला लगता है। पुजारी कहते हैं उनके पूर्वजों द्वारा पांडव पर्वत में पांडव के नाम पर मंदिर का निर्माण भी किया। कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच पाता है, इसलिए गाँव के सरहद पर धर्मराज युधिष्ठिर के नाम पर मंदिर बनाया गया है और पांच पांडवों की पूजा के लिए अलग अलग पुजारी नियुक्त किए गए हैं। अर्जुन की पूजा के लिए राममूर्ति दादी, भीम के लिए दादी अनिल, युधिष्ठिर के लिए कन पुजारी, नकुल के लिए दादी रमेश और सहदेव के लिए संतोष उड़तल को पुजारी बनाया गया है। हर दो साल में धर्मराज मंदिर में मेला लगता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने कामना और मन्नत के अनुसार बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। यह मेला अप्रैल माह में बुधवार के दिन आयोजित किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पूजा पाठ और पुजारियों का गांव होने के कारण उनके गांव का नाम पुजारी कांकेर रखा गया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.